Hello members, assalamu alaikum, bismillah ar-rahman ar-rahim. Modern materials and chemicals related हमारे ceramics and plastics discuss हो गया था. आज हम discuss करेंगे semiconductors. हमारा lecture थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने दो parts में upload किया है. Semiconductors क्योंकि आप conductors और insulators के differences में semiconductors को सही से आपको समझ आता है, ठीक है? What are these semiconductors? Semiconductors ऐसे हैं कि ये in between conductors और non-conductors के आते हैं. इनकी properties कुछ conductors वाली होती हैं तो कुछ non-conductors वाली होती हैं, तो इनको हम कहते हैं semiconductors. Semi means in between, ठीक है? Materials having conductivity in between the conductors and the non-conductors. Non-conductors को हम insulators भी कहते हैं. What are these conductors? Conductors ऐसे materials होते हैं जो कि अपने अंदर से current, electricity, heat इन सबको transit allow कर देते हैं. The materials that allow the electric current to flow through them. Insulators जो do not allow करते हैं वो अपने अंदर से इसका transit allow नहीं करते. Current, heat and light वगैरह का transit नहीं करते, उनको हम insulators बोलते हैं. Conductors and insulators totally opposite हैं अपने एक दूसरे से, और semiconductors इन दोनों के in between आ जाते हैं. इनके अंदर conductors की भी कुछ characteristics होती हैं और कुछ insulators वगैरह की होती हैं. Neither good conductors or nor the good insulators. ना तो ये बहुत अच्छे conductors होते हैं ना ही बहुत अच्छे insulators होते हैं. They lie in between both of the conductors and the insulators, ठीक है? Examples हमारे पास जो बहुत basic और common examples हैं, वो हमारी silicon आ जाती है, germanium, carbon, gallium, arsenide, ठीक है? हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशन आ जाती है, मतलब इसमें जो फिजिकली एंड केमिकली टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी इन सब से रिलेटेड जो हमारे पास कंपोजिशन आ जाती है, उसमें हमारे पास होल्स होती हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. होल्स जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं. हम इनको इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के हेडिंग से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बैंड थ्योरी आ जाती है और एक होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी आ जाती है कि बैंड की बेसिस पे कैसी हमारी कंपोजिशन है और होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे हमारी क्या कंपोजिशन होती है, ठीक है? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो आता है. ये अलाउ करता है हमारे सेमीकंडक्टर्स के थ्रू जो हमारा फ्लो ऑफ करंट है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत है. जो होल्स हैं वो पॉजिटिव हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपको पता है वो मूव फास्टर करते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं होल्स की निस्बत, मतलब पॉजिटिवली चार्ज की निस्बत. जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज हैं वो हमारे ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं. जब एक इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल में चला जाता है, जैसे कि जिसको आप एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो हमारे नेगेटिवली चार्ज है, वो इनर वाले से आउटर वाले में चला गया है, तो जो हमारे इनर शेल में जो हमारी स्पेस है जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया है उसको हम होल बोलते हैं, वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इनर शेल टू आउटर शेल, अ होल इज क्रिएटेड इन दी सेमी कंडक्टर, ठीक है? होल बेसिकली दी ओरिजिनल पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया है, अंदर से बाहर आ गया है, ठीक है? और जो हमारी होल है उसमें हमारी एटम, वो हमारे एटम के न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, तो उसमें ज़्यादा इनर्जेटिकली फोर्स जो है वो ज़्यादा हमारी न्यूक्लियस की बदौलत होल में ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के निस्बत, ठीक है? जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है, हमारे एक फ्यू इलेक्ट्रॉन्स अनबाउंड हो जाते हैं एटम से और फ्रीली मूव करते हैं आउटर एनर्जी लेवल पे, और जिसकी वजह से हमारा जो ओरिजिनल पोजिशन है इलेक्ट्रॉन की जो इनर शेल में थी वो हमारी होल हो जाएगी, होल बन जाएगा, ठीक है? दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंट्रीब्यूट टू द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर्स की बेसिकली जो कंडक्शन हो रही होती है करंट की, वो हमारी इस चार्ज के थ्रू हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के थ्रू हो रही होती है. उनकी मूवमेंट और एनर्जी लेवल की वजह से, एनर्जी जो उसकी हो रही है उसकी वजह से हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है सेमीकंडक्टर्स में. बेसिक इसका क्या है, जैसे कि जैसे एनर्जी या टेम्परेचर राइज करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनबाउंड हो जाते हैं एटम से, वो अपने इनर शेल से आउटर शेल में चले जाते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, फ्रीली मूव कर जाते हैं आउटर लेवल पे, और जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन इनर शेल में होती है इलेक्ट्रॉन की, उधर हमारा होल बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होल बन जाता है, ठीक है? और इन दोनों की कंट्रीब्यूशन से हमारी बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्ज की इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो रहा है सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है? मैंने बताया आपको ये केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से एक होल्स एंड इलेक्ट्रॉन की थ्योरी आ गई, और एक हमारे पता चलती है बैंड थ्योरी. बैंड थ्योरी जो है वो तीनों की सेपरेटली होती है, तीनों में सेपरेट बैंड्स होते हैं, लाइक कंडक्टर्स में अलग से है तो इंसुलेटर्स में अलग से है वह प्रॉपर्टीज, और सेमीकंडक्टर्स की अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? जो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारे कंडक्टर्स हैं उसकी जो एम्प्टी शेल्स होते हैं, जो कि बिल्कुल बाहर आउटर वाले होते हैं, कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, कंडक्शन बैंड होता है उसको बोलते हैं, और फिल्ड बैंड्स होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉन से फिल अप होते हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड्स बोलते हैं. और इन दोनों की ओवरलैपिंग ऐसे होती है कि उन दोनों के दरमियान में जो बैंड गैप है वो आपका
बिल्कुल भी नहीं होता, और उसके इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है, उनके फ्लो है, उसको बहुत कम हल्की हल्की पुश करने की एक दूसरे को जगह मिलती है, लेकिन उनकी कंडक्शन बैंड में जाने के चांसेस नहीं होते। इन अ कंडक्टर एम्प्टी बैंड्स एंड फिल बैंड्स ओवरलैप ईच अदर अलोइंग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू द एम्प्टी बैंड विद अ वेरी लिटल पुश। आपको मैं अब डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगी कि जो कंडक्टर्स हैं उनके जो एम्प्टी बैंड्स एंड फिल्ड बैंड्स हैं वो आपस में इतने ओवरलैप ईच अदर होते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत कम जगह मिलती है एक दूसरे को पुश करने की। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में ग्रेटर इनर्जेटिक डिफरेंस होता है कि उनमें जो बैंड है, दोनों की जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, वो उसके दरमियान में गैप आता है। जो हमारा वैलेंस बैंड है वो हमारा फिल्ड बैंड है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो कंडक्शन बैंड है वो हमारा आउटर बैंड है, जो एम्प्टी बैंड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन एनर्जी की वजह से वैलेंस बैंड से एक्साइटेड बन के तो वो कंडक्शन बैंड्स में जाते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, बैंड गैप हमारा बहुत स्मॉल होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अलाउ करता है जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए, लेकिन इंसुलेटर्स में गैप ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज़्यादा जल्दी से आसानी से मूव नहीं कर सकते वैलेंस से कंडक्शन बैंड में। ये डायग्रामेटिकली मैं आपको बता देती हूँ। ये ब्लू वाला जो है हमारे पास फिल एम्प्टी बैंड है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड इज़ दी एम्प्टी बैंड जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जो वैलेंस बैंड है वो हमारे इलेक्ट्रॉन फिल्ड बैंड्स हैं, उनको हम फिल्ड बैंड्स बोलते हैं। और जो बीच में गैप नज़र आ रहा है वो हमारा बैंड गैप आ जाएगा, दोनों के दरमियान में बैंड गैप आ जाता है, फर्मी लेवल उसको बोलते हैं। ठीक है, जो मेटल्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारे कंडक्टर्स हैं। ठीक है, जो कंडक्टर्स हैं उसमें फिल्ड और नॉन फिल्ड जो एम्प्टी हैं, फिल्ड और एम्प्टी हैं, वो ओवरलैप ईच अदर करेंगे, और ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बहुत स्लो लाइक पुशिंग ईच अदर होती है। ठीक है, और कोई गैप नहीं है। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें बैंड कम होता है, थोड़ा होता है, जिसकी वजह से वैलेंस मतलब रेड वाले से कोवलेंट में कंडक्शन बैंड में चला जाता है, जो कि हमारा ब्लू वाला पार्ट है। इजीली जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस से कंडक्शन में। ठीक है, वो एक्साइटेड ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। और जो वैलेंस और इंसुलेटर्स में हमारे पास नॉन कंडक्टर्स में क्या जाता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में बैंड गैप ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में काफ़ी डिफिकल्टी होती है वैलेंस टू कंडक्शन में मूव करने में। ठीक है, वैसे बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे हम एनर्जी ज़्यादा करते जाते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड लेवल पर हो जाते हैं, अनबाउंड हो जाते हैं वो न्यूक्लियस से, और वो फ्री मूव करते हैं कंडक्शन बैंड की तरफ, वैलेंस की तरफ से लेकर कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेंगे। तो ये सेमीकंडक्टर्स में इजीली करेंगे क्योंकि गैप कम है, और इंसुलेटर्स में गैप ज़्यादा है, इसकी वजह से उनको आसानी नहीं होती, उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे मूव करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल इसका आ जाता है, ये सेमीकंडक्टर्स के गैप का मैंने बताया है। जो हमारे कंडक्शन बैंड्स हैं वो हमारे अनफिल्ड बैंड्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, लेकिन अगर एनर्जी हम प्रोवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और बैंड गैप इसमें कम है, फिल्ड बैंड्स हमारे यही आ जाते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन फिल्ड बैंड्स हैं, ये मैंने पहले ऊपर बता दिया, लेकिन ये डायग्रामेटिकली बहुत अच्छी डायग्राम थी इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा दे दी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स हमारे पास टू टाइप्स आ जाती हैं, इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स एंड एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स। इंट्रेंसिक जो है हमारी प्योर फॉर्म्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स हैं, जो कि सिर्फ एक सिंगल टाइप से सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से बनते हैं, ये हमारी प्योर फॉर्म है, इसमें कोई एडिशनल प्रोडक्ट्स नहीं डाले जाते, लाइक इम्प्योरिटीज़ वगैरह एडिड नहीं होती, इसलिए हम इनको प्योर फॉर्म्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर हम इसमें देख लें, ये एक बेसिक इंट्रेंसिक की एग्जांपल इस तरह है कि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, सिलिकॉन अकेला अपना है और उसके अपने बॉन्ड्स बन रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स एंड अपने होल हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा जो है कोवलेंट बॉन्ड हमारा इतना सही नहीं है, सही जो बिल्कुल सही स्ट्रॉन्ग वाले बॉन्ड्स हैं उसमें सही पेयरिंग हो रही है, जो इन कंप्लीट है, जो कि प्रॉपर नहीं है, ब्रोकन कोवलेंट बॉन्ड है, उधर ये येलो एंड ब्लू से शो किया गया है, येलो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि बाहर निकल जाता है और हमारा होल बन जाता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ को मूव कर रहा है और होल बन रहा है। ठीक है, ये सिंपल एक सिलिकॉन का है स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है जिसमें हमारे पास और कुछ भी इम्प्योरिटी एडिट नहीं है, ऑल द एटम्स आर ऑफ वन सिंगल एटम सिलिकॉन। ठीक है, फ्री ऑफ एनी डॉपिंग इम्प्योरिटीज़, कोई डॉपिंग इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, डॉपिंग की मैंने नीचे एग्जाम्पल लिख दी है, डॉपिंग का मतलब यही है कि कोई भी इम्प्योरिटी की एडिशन को
सेमीकंडक्टर में अगर ऐड कर दें तो उस प्रोसेस को हम डॉपिंग बोलते हैं। इसमें एग्जांपल्स इंक्लूडेड यही हैं, जर्मेनियम या फिर पूरा का पूरा सिलिकॉन का एटम, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ले लें, ये हमारे इंट्रेंसिक की प्योर एग्जांपल्स आ जाती हैं, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास आता है, दीज आर फॉर्म्ड आफ्टर एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ कुछ ऐड कर दें एडिटिव्स के तौर पर, सिर्फ और सिर्फ उसकी कंडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए, उसकी जो कंडक्टेंस की पावर है उसको इम्प्रूव करने के लिए कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करे, एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं। किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं उसको इम्प्योरिटीज़ वगैरह के फॉर्म में आप दे सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर एडेड इन दिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे दूसरे पार्ट में डिस्कस करती हूँ इनके डिफरेंसेस और एक्सट्रिंसिक की फर्दर भी टू टाइप्स हैं। ठीक है, बेसिक जो डेफिनेशन आ जाती है एक्सट्रिंसिक की, उसमें यही है कि एक्सट्रिंसिक में हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं एडिटिव्स के तौर पर, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आते हैं। दीज आर नॉट दी प्योर फॉर्म। ठीक है, ये इंट्रिंसिक कंडक्टर से बनते हैं और इसकी बेसिक क्या आ जाती है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्लस इम्प्योरिटीज़। लाइक इंट्रिंसिक में हम इम्प्योरिटी ऐड कर दें उनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए, तो वो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट आई विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट पार्ट।